गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा चल रहा है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पुष्पी पौधों में जनन ये पढ़ा था और निषेचन तक हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, वही थोड़ा निषेचन का जो है वो पढ़ लेंगे। फल तथा बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है, बीज की संरचना क्या होती है, बीजों के प्रकार क्या है और बीजों का अंकुरण, तो ये टॉपिक आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जो मैंने बनाया है ये स्त्री केसर है, मतलब एक पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है ये उसकी संरचना है। उसमें ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, ये बीच में नली वाली जो होती है वर्तिका होती है, ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर ये बीजांड है, बीजांड के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं। मैं पहले बता चुका हूँ 3 ऊपर होती है 3 नीचे होती है, 3 नीचे वालियों में जो बीच वाली होती है वो अंडाणु होता है, और ये जो जिसमें ये 2 केंद्रक हैं ये पूरी की पूरी एक कोशिका है, ये जो बीच में दिख रही है 3 ऊपर है 3 नीचे है और ये जो बीच में है। तो जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है, मतलब क्या, पुष्पी पौधों का जो बीजांड होता है उसका खास गुण होता है कि उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बीच वाली, 7 कोशिकाएं हैं लेकिन केंद्रक कितने हैं, 8, क्योंकि बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक हैं जिनका नाम होता है ध्रुवीय केंद्र। इनको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्र। अब जब निषेचन होता है, हम पढ़ चुके हैं कि परागण विधि से परागण में एक पुष्प के पराग कण निकल के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, एक पुष्प के दूसरे पुष्प पे गिर सकते हैं, एक पौधे के दूसरे पौधे पे गिर सकते हैं या एक ही पुष्प पे गिर सकते हैं, वो स्व परागण और पर परागण में हम पढ़ चुके हैं। अब जब पराग कण इसके ऊपर गिर जाएगा तो पराग कण जो वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है तो ये जर्मिनेशन शुरू करता है, मतलब इसमें से एक नली बनती है, इस नली को बोलते हैं पराग नली। तो ये पराग नली बनाएगा, ये पराग नली इसमें से आती हुई सीधी पहुंचती है किसके पास, बीजांड के पास। जो केंद्रक होता है किसका, पराग कण का जो केंद्रक होगा वो उसके अंदर विभाजन हो जाएगा और उससे 2 केंद्रक बन जाएंगे। मान लो जैसे ये एक केंद्रक था तो इससे क्या बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाते हैं। तो वो दोनों केंद्रक अब इस पराग नली में चलेंगे, इससे होते हुए और पहुंचेंगे किसमें, बीजांड में। बीजांड में एक केंद्रक तो निषेचित करेगा किसको, अंडाणु को, और दूसरा केंद्रक निषेचित करता है इसको ध्रुवीय केंद्र को, मतलब एक केंद्रक इसके जाके इसको निषेचन करता है। जैसे मान लो अगर ये एक अंडाणु है, मतलब इसके अंदर जो अंडाणु है ये है वो, और केंद्रक आया किससे होता हुआ, पराग नली से होता हुआ, तो पराग नली से जो केंद्रक आएगा वो इसके अंदर, इसका पहले से एक केंद्रक होता है और एक केंद्रक आया किसका, पराग कण का, मतलब नर युग्मक का, तो वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, इसको बोलते हैं निषेचन। तो 2 निषेचन हुए, एक तो हुआ किसके साथ, अंडाणु के साथ, और एक हुआ किसके साथ, ध्रुवीय केंद्र के साथ, इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन पुष्पी पौधों का ये भी एक खास गुण होता है जिसको बोला जाता है दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन में 2 जगह निषेचन हुआ है, एक अंडाणु के साथ और एक ध्रुवीय केंद्र के साथ। देखो ध्रुवीय केंद्र के पास पहले से 2 केंद्र थे, एक केंद्र किसका आ गया, इसका नर युग्मक का, तो वो इसके साथ यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे 3 केंद्रक हो गए, तो इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है भाई, ये भी करैक्टर है किसका, पुष्पी पौधों का, ये भी एक विशिष्ट गुण है, और दोहरा निषेचन ये भी एक विशिष्ट गुण है। तो निषेचन 2 जगह होगा, पता चल गया आप लोगों को। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, जब एक केंद्रक 2 ध्रुवीय केंद्रों के साथ निषेचन करता है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बात समझ में आ गई। अब जब इसका निषेचन हो जाएगा, मतलब ये पराग कण का जो केंद्रक था जब, या नर युग्मक था जो इसमें आ जाएगा, तो इसको निषेचन बोलते हैं। अब ये निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होगा हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, ये तो था अभी तक निषेचन के। देखो निषेचन होने के बाद ये जो बीज की कोशिका है ये तो बन जाएगी युग्मनज, युग्मनज बन जाएगी। युग्मनज वृद्धि करके, मतलब जो युग्मनज बनता है
ये एक ही कोशिका, देखो ये एक कोशिका बनती है पहले, पहले ये एक कोशिका बनेगी, फिर इसके अंदर विभाजन होगा ये दो कोशिकाएं बनेगी, फिर से दोनों में विभाजन होगा तो ये चार कोशिकाएं बनेगी, इस प्रकार। तो एक कोशिकाओं का गुच्छ बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा कोशिकाओं का, मतलब क्या कहने का कि ये जो युग्मनज है विभाजन कर करके वृद्धि करेगा और भ्रूण का निर्माण कर लेगा। बाकी के जो दूसरे अंग हैं उनका क्या होगा, जो ये साथ वाली कोशिकाएं थी जिनका नाम था सिनर्जिक कोशिकाएं, ये डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दोनों, ये एंटीपोडल जो सेल थी ये भी डीजनरेट हो जाएंगी। निषेचन के बाद वाले कार्य में आप लोगों को बता रहा हूं, निषेचन के बाद जो ये पार्ट थे कौन से, जो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये भी धीरे धीरे टूट के गिरना शुरू कर देंगे। पहले ऊपर वाला पार्ट सूख जाएगा, ये गिर जाएगा, धीरे धीरे नीचे वाला ये ऐसे टूटता रहेगा और ये पूरा का पूरा भाग ऊपर वाला टूट के गिर जाएगा, ठीक है। और इसके जितने भी भाग थे, मतलब ये बाह्य दल, ये पंखुड़ी, सब टूट के गिर जाएंगी, उनके सर और स्त्री के सर का ऊपर वाला भाग। तो बचा क्या रहेगा, बचा रह जाएगा सिर्फ ये जिसका नाम है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या बचा रहेगा, ये जिसका नाम है बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या, ध्रुवीय केंद्र, और ये क्या था, युग्मनज, ठीक है। अब इसका पढ़ते हैं क्या होता है, ये जो पराग नली थी ये भी डीजनरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक भाई, बात समझ में आ रही। ये जो चीज थी ये पुष्प के अंदर थी, यहाँ जुड़ी हुई है, तो बाकी के जब सारे पार्ट टूट के गिर जाएंगे, देखो ये क्या बच गया, ये सारे टूट के गिर गए ऐसे, इस प्रकार से ये सब निकल गए, तो बचा क्या रहा, उस पुष्प के ऊपर सिर्फ ये अंडाशय और बीजांड अब जुड़े हुए हैं टहनी के ऊपर। तो ये जो अंडाशय था ये बदल जाएगा किसमें, फल में, अंडाशय किसमें बदल गया भाई, फल में, और जो ये बीजांड था, बीजांड बदल जाएगा किसके अंदर, बीज के अंदर। हम देखते हैं ना जब भी कोई फल खाते हैं, जैसे मैंगो खाएंगे या कोई बेर खा लो, उसके ऊपर तो एक कवरिंग होती है फल की जिसको हम खा लेते हैं, और अंदर क्या होता है, बीज होता है। तो वो बीज किससे बनता है, बीज बनता है इस बीजांड से, और जो ये जो अंडाशय था ये वाला भाग जो है सारा ये फ्रूट में बदल जाएगा, और ये जो अंदर है बीजांड ये बीज में बदल जाएगा, और जो ये युग्मनज था, युग्मनज विभाजन करके इससे कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, भ्रूण, ठीक। और ये जो था ध्रुवीय केंद्र, ये अपने अंदर बहुत सारे भोजन को संचित कर लेगा, ये सारा का सारा क्या बन गया, भोजन बन जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा भ्रूण कोष, भ्रूण कोष इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ध्रुवीय केंद्र से क्या बना, भ्रूण कोष, युग्मनज से क्या बना, भ्रूण, और जो ये था ये बाहरी दीवार किसकी, बीजांड की, ये बहुत सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और ये बदल जाएगा पूरा का पूरा किसमें, बीज में, और बाह्य भाग अंडाशय का बदल जाएगा फल में। तो ये पूरा भाग बन गया फल, मतलब टहनी पे अब क्या रह जाएगा, सिर्फ ब्रांच के ऊपर एक फल लगा रह जाएगा। और ये बात हम देखते भी हैं कि सभी प्लांट्स में पहले पुष्प आते हैं और पुष्प के बाद फिर उसमें फल लगते हैं, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। वो पुष्प क्यों बनता है, वो पुष्प इसलिए बनता है क्योंकि वो जनन अंग होता है, वो पहले जनन करते हैं, निषेचन होता है, भ्रूण बनता है और बीज बनता है। बीज क्या है, बीज ये समझ लो पौधे की नई संतान है, और एक बीज से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है। तो इस बीज को बनाने के लिए सारा काम काम जितना भी हुआ है सब इस बीज के निर्माण के लिए हुआ है, क्यों, क्योंकि ये बीज ही उस पौधे की संतान है। लेकिन साथ में ये फल क्यों बनाया, ये फल इसलिए बनाया पौधे ने ताकि इस फल के लालच में कोई भी जीव इसको तोड़ कर यहाँ से ले जाए। हम भी लेके आते हैं इस फल को खाने के लिए, दूसरे जानवर भी तोड़ के ले जाते हैं, तो फिर वो क्या करे, इसको मीठा कर देगा, मतलब अलग अलग टेस्ट के फल होते हैं तो इसमें अलग अलग टेस्ट आ जाएगा, ताकि उस टेस्ट के लिए अलग अलग जानवर इसको उठा के ले जाए, फल खा ले और बीज को कहीं पे फेंक दे, और बीज को जैसे ही अच्छी कंडीशन मिलेगी वो जर्मिनेट करना शुरू कर देगा और नए पादप का निर्माण कर देगा। तो बीज क्या है, बीज पौधे की समझ लो संतान है, और इसी के लिए ये सारा का सारा सिस्टम हुआ था जो मैंने बताया है, ठीक है भाई। तो
फल और बीज का निर्माण कैसे हुआ? फल तो बनता है अंडाशय से, पेपर में आता है, और बीज बनता है बीजांड से। अब हम पढ़ते हैं बीज की संरचना, एक बीज की क्या संरचना है। तो बीज की संरचना में अलग अलग पौधों के बीज आप लोगों ने देखे होंगे, आपने गेहूं तो देखा ही होगा, आपने चना भी देखा होगा, आपने बीन्स भी देखी होंगी, वो जितने भी हैं वे सभी बीज हैं। आप एक चने का बीज, थोड़ा चने का दाना उठा लो या गेहूं का दाना उठाओ, वो बीज है, गेहूं का बीज है। उसके अंदर है क्या चीज उसको बाहर देखो, कितना सख्त है वो। तो एक तो वो सख्त कवरिंग है उसकी, और उसको जब तोड़ोगे उसके अंदर से वाइट सा पाउडर निकलता है, तो वो वाइट पाउडर है उसके अंदर। और अगर हम उसको मिट्टी में डाल देंगे तो उसमें से निकलता है क्या, पौधा। पौधा किससे बनता है? वो बनता है भ्रूण से। तो मतलब बीज की संरचना में क्या क्या चीजें आई, तो बीज में है क्या चीज। बीज में एक तो इसकी आउटर कवरिंग है, देखो ये सख्त कवर है, तो इसको बोलते हैं आवरण। एक तो इसका क्या है, बाहरी आवरण। दूसरा क्या है, इसमें संचित भोजन, संचित भोजन। जितने भी बीज आप लोग देखोगे सभी के अंदर ये तीन चीजें जरूर होंगी, एक उसका बाहरी आवरण होगा, एक संचित भोजन होगा, और क्या इसके अंदर और है, भ्रूण। ठीक है भाई, ये तीन ही चीजें एक बीज के अंदर होती हैं, ये तीनों को होना बहुत जरूरी है। भ्रूण बीज के अंदर इनएक्टिव स्टेट में होता है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब होता है कि वह अक्रिय अवस्था में है, वो क्रियाशील नहीं है। वो क्रियाशील क्यों नहीं है, क्योंकि उसको एंजाइम नहीं मिले हैं, जिससे उसको खाना नहीं मिला है जिसको प्राप्त करके वो बढ़ना शुरू करे, तो वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। ड्राई सीड जो होता है, सूखे बीज जो होते हैं, वो उनके अंदर भ्रूण इनएक्टिव स्टेज में होता है। जैसे ही उसको परिस्थितियाँ, आवश्यक परिस्थितियाँ मिलती हैं, मतलब उसको पानी, नमी और तापमान जो उसको चाहिए, अगर वो मिल जाएगा तो उसके अंदर का जो भ्रूण होगा वो क्रियाशील हो जाएगा और उस वो पौधा बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे बीज है, बीज के अंदर मान लेते हैं भाई ये सोयाबीन समझ लो, इस तरह का बीज होते हैं सोयाबीन का, तो इसके अंदर भी भ्रूण है, एक यहाँ भ्रूण है और बहुत सारा भोजन इसमें संचित है, और इसके ऊपर की कवरिंग है, आवरण है। ये बीज की संरचना में होता है। अब हम पढ़ेंगे बीजों के प्रकार। बीजों के प्रकार में भी बीज होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार के बीज हैं? एक होता है एक बीज पत्री बीज, और दूसरा होता है द्विबीजपत्री बीज। देखो भाई, सीड के पास, बीज के पास भोजन होता है, तो भोजन वो दो तरीके से रख सकता है। एक तो मैंने बताया यहाँ भोजन ये बन गया भ्रूणपोष के अंदर, लेकिन कई बार क्या होता है, भोजन भ्रूणपोष में नहीं होता, भ्रूण भोजन होता है बीज पत्र के अंदर। बीज पत्र क्या होते हैं, कुछ पौधों के बीज ऐसे होते हैं जिनमें दो बीज पत्र होते हैं। जैसे आप लोग चने को देखो, चने के बीज के दो पार्ट हो जाएंगे, जब उसको आप पानी में भिगोओगे तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। ऐसे सोयाबीन के होते हैं, कुछ बीजों के दो हिस्से हो जाते हैं, तो वो दोनों हिस्से जो होते हैं वो उसके बीज पत्र होते हैं, और बीज पत्र में ही भोजन संचित होता है। तो जिन बीजों के अंदर दो बीज पत्र होते हैं उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री। जैसे अगर हम एक चने के पौधे को लगा दें पानी में डाल के, जब वो अंकुरित होता है तो वो कैसा होगा, इस प्रकार से उसमें एक बीज में वाइट सा धागा सा निकलता है जर्मिनेशन के बाद। तो साइड में जो ये होती हैं, साइडों में, इनको बोला जाता है बीज पत्र। तो जिस बीज में दो बीज पत्र होते हैं उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री बीज, और जिनके अंदर एक बीज पत्र होता है उनको बोलते हैं एक बीजपत्री बीज। जैसे मक्के का जो बीज है वो एक बीजपत्री बीज है, उसमें एक बीज पत्र होता है। जो गेहूं होता है उसमें भी एक बीज पत्र होता है। तो जिसके पास एक बीज पत्र है तो वो अपने भोजन को कहाँ संचित करेगा, जिसके अंदर द्विबीज पत्र है, दो बीज पत्र, और बीज पत्र में होता है भोजन। जिनके पास दो बीज पत्र है वो तो बीज पत्र में अपना भोजन संचित कर लेंगे, लेकिन जिनके पास एक है वो क्या करेगा, तो उनके अंदर भोजन संचित होता है इसमें
भ्रूणपोष में जिन बीजों के पास एक बीज पत्र होता है उनके अंदर भोजन भ्रूणपोष के अंदर संचित होता है, और जिनके पास दो बीज पत्र होते हैं उनके अंदर भोजन बीज पत्र में संचित होता है। ये बात याद रखना। अब है भाई बीजों का अंकुरण कि बीज अंकुरित कैसे करेगा। चलो देखते हैं। मैंने बताया कि एक बीज के अंदर जो सीड होता है, सीड के अंदर भ्रूण इनएक्टिव स्टेज में होता है, मतलब अक्रिय अवस्था में होता है। उसको क्रियाशील करने के लिए उसको चाहिए भोजन, नमी और तापमान, आवश्यक तापमान जो उसको चाहिए होता है। तो जैसे ही उस बीज को आवश्यक परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे ही बीज नमी मिलेगी, उसको पानी मिलेगा, तो बीज के अंदर के बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्रियाशील हो जाएंगे, और वो इसके अंदर जो संचित भोजन होता है उसको घोलना शुरू कर देंगे, मतलब उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो भोजन मिल जाएगा किसको, भ्रूण को, और भ्रूण बनना शुरू कर देगा। कैसे, जैसे भाई ये बीज है, ये एक बीज हमारे पास चने का समझ लो, किसी का भी समझ लो, ये बीज को जब हम मिट्टी में लगाते हैं या पानी में डालते हैं तो इसको में पहले ऐसे एक धागा से नीचे निकलता है, ठीक है। इस क्यों निकला ये, क्योंकि यहाँ पे क्या था, भ्रूण था, कोशिकाओं का एक समूह था भ्रूण, और पीछे क्या था, भोजन संचित था। अब जैसे ही इसको पानी मिला, पानी मिलते ही जो इसकी ऊपर की कवर है जो, ये हो जाएगा सॉफ्ट, नरम हो जाएगा, जिससे ये अंदर का भ्रूण इस कवरिंग को तोड़ सके आसानी से। तो ये कवरिंग टूट जाएगी और ये बढ़ना शुरू कर देगा। पानी मिलते ही जो इसके अंदर एंजाइम थे भोजन को तोड़ना शुरू कर देंगे, एंजाइम इसको पचाना शुरू कर देंगे, और भोजन पच के मिलता रहेगा किसको, भ्रूण को, तो भ्रूण की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो एक धागे जैसी संरचना नीचे निकलती है, इसको बोला जाता है मूलांकुर। मूलांकुर मतलब मूलांकुर, वो चीज जिससे जड़ों का निर्माण होता है। फिर जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा धीरे धीरे इसमें से जड़ निकलना शुरू कर देगी, और जैसे ही जड़ निकलना शुरू करेगी साथ में एक भाग ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। इस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर ये मूलांकुर और ये प्रांकुर, ठीक है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल ऐसे बोलता है, मतलब रेडिकल और प्लूमूल। प्लूमूल प्रांकुर को बोला जाता है, मूलांकुर रेडिकल को बोला जाता है। ये जो प्रांकुर है इससे बनता है तना और टहनियां, और जो नीचे मूलांकुर निकलता है इससे बनती है जड़। जैसे जैसे अभी जब ये छोटा सा होता है, ये आगे बढ़ेगा ऐसे, तो ये व्हाइट से रंग का होता है, सफेद रंग का, ये हरे रंग का नहीं होता। जब तक ये व्हाइट कलर का होता है तब तक ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। उस स्टेज तक जब तक ये व्हाइट रहेगा तब तक इसको भोजन कौन देगा, जो भोजन इसमें संचित रहता है तब तक इसको भोजन मिलता रहता है। या तो भ्रूणपोष देगा जिसमें बीज पत्र है वो बीज पत्रों से देगा, जिसमें भ्रूणपोष है वो भ्रूणपोष से देगा। जैसे इसमें तो एक ही बीज पत्र है तो ये ऐसे भोजन मिलेगा, जिसमें दो बीज पत्र होते हैं उसके अंदर दो बीज पत्र इस प्रकार होते हैं। इसमें से जब ऐसे बीज का अंकुरण होता है जिसमें दो बीज पत्र है तो पहले एक धागा से नीचे निकलता है जिसका नाम है मूलांकुर, और एक ऊपर निकलती है एक संरचना जिसका नाम है प्रांकुर। ये क्या है, ये है बीज पत्र, ये भी बीज पत्र है और ये भी बीज पत्र है। ये इसको भोजन देंगे, भोजन इस साइड आता रहेगा भ्रूण के पास, और भ्रूण के अंदर वृद्धि होती रहेगी। अब जैसे जैसे ये नीचे बढ़ेगी तो इसके अंदर जड़े बनना शुरू हो जाएंगे, और जड़े नीचे से भोजन और सॉरी पानी और खनिज को लेना शुरू कर देगी। जैसे ही ये पानी और खनिज को लेना शुरू कर देगा तो जो ऊपर वाले भाग को भोजन पानी मिलना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर वाले भाग में भी वृद्धि बढ़ जाएगी और इसमें आ जाएंगे क्या, पत्तियां। तो ये हरे रंग की पत्तियां आ जाएंगी। जैसे इसमें हरे रंग की पत्तियां बन जाएंगी तो ये प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देगा, अपना भोजन बनाना शुरू कर देगा, और भोजन जैसे ही अधिक भोजन प्राप्त होगा तो वृद्धि और तेज हो जाएगी। इस प्रकार होता है बीजों का अंकुरण, ठीक है भाई। तो ये था क्या कि फल और बीज का निर्माण किस प्रकार होता है, पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है, ठीक है, और बीजों की संरचना क्या है। बीजों की संरचना में मैंने बताया कि बीज में तीन ही मुख्य भाग होते हैं, एक बाहरी आवरण होता है, एक संचित भोजन होता है, और उसमें भ्रूण होता है।
फिर मैंने बताया बीजों का अंकुरण किस प्रकार होता है, बीजों का अंकुरण मैंने बता दिया, एक बीजपत्री बीज होते हैं और द्विबीजपत्री बीज होते हैं, दो प्रकार के बीज होते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन को, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं, थैंक यू।